अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से हूँ। तो आज कल हमारे काफ़ी सारी स्नो पड़ी है जो आप देख सकते हैं, मगर आज टोटली डिफरेंट वेदर है। आज सनशाइन है, कम्बिनेशन हुआ हुआ है स्नो का और सनशाइन का। तो शुरू करते हैं आज का दिन और आज का व्लॉग। जो जो एक्टिविटी होगी, जो जो कुछ होगा, वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। और मुझे नहीं पता क्या होगा, मगर जो कुछ भी होगा वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। शुरू करते हैं आज का दिन। क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक हैं और खैर खैरियत से हैं? तो जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि दिन स्टार्ट हुआ हुआ है और बर्फ़ पड़ी हुई है परसों की। तो घर में और बाहर गार्डन में रोडों पे अभी तक बर्फ़ सही तरीके से क्लियर नहीं हुई, मगर बाद में लेटर ऑन रेन भी फोरकास्ट है। तो इंशाल्लाह रेन होगी तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तो बैक टू नॉर्मल हो जाएंगी चीज़ें। तो आप बाकी सुनाएं, कैसा जा रहा है सब कुछ आपका? ये जो लॉकडाउन का पीरियड है और ये जो कोरोना का टाइम चल रहा है, तो इसमें क्या चल रहा है? क्योंकि इसमें ज़्यादातर लोगों की तो जो एक्टिविटीज़ हैं, जॉब्स हैं, हर तरफ से अगर आप देखा जाए ना, तो हर तरफ से दुनिया एक दफ़ा डिफरेंट हो गई है, चेंज हो गई है। काफ़ी सारी चीज़ों को हो गया, जिस तरह हम अपनी पहले नॉर्मल हमारी रूटीन होती थी वो बिल्कुल चेंज हो गई हैं, अब दूसरी तरह हो गई हैं। तो मगर चल रहा है, मगर इंग्लैंड में ज़्यादा हालात ख़राब हैं, इनसे कोई कंट्रोल नहीं हो रही कोई चीज़ की क्या हो रहा है। जिस तरह आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बहुत बेहतर है। बाकी ये अभी मैं पीछे मैचेस देख रहा था क्रिकेट के, न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड में सारे लोग अपने नॉर्मल बैठे हैं, क्राउड भी आया हुआ था स्टेडियम में, वो भी आराम से अपना मैच वगैरह देख रहे थे, उनको कोई मसला नहीं। क्योंकि उन्होंने पहले ज़रा अपना जो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किए थे उसमें उन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस उनके कंट्री उन्होंने दी, तो उसकी वजह से वो क्लियर हो गए हैं। मगर इंग्लैंड, इंग्लैंड मेरे लिहाज से तो इनकी पॉलिसियां फेल हो गई हैं। अभी भी लॉकडाउन होने के बावजूद भी अगर आप बाहर देखें तो कम लोगों ने मास्क पहने हुए हैं, बंदे एक दूसरे से मिल भी रहे हैं, गपशप भी कर रहे हैं, इधर उधर भी जा रहे हैं,
मगर वो इतनी कोई शक्ति नहीं है, इसीलिए बार बार लॉकडाउन लगा के तो उसको कवर करने की कोशिश करना चाहते हैं, मगर वो कवर नहीं हो रहा इनसे। तो ये देख लें जी, ये जो हमारे बड़े कहते हैं सो कॉल्ड तरक्की याफ्ता मुल्क, अमेरिका देख लें, इंग्लैंड देख लें, ये फेल हो गए हैं इस चीज़ों में, ये बिल्कुल फेल हो गए। इनकी पॉलिसियां जो हैं बिल्कुल फेल हो गई हैं, कोई इस पे कोई अमल दरामद नहीं, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। मगर चलें, होप अच्छा करना चाहिए बंदे को, उम्मीद अच्छी करनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ अल्लाह के हाथ में है, तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। अल्लाह ताला सब कुछ इंशाल्लाह बेहतर करेगा, तो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल से। तो बाकी हम इंशाल्लाह लगे हुए अपने अपनी जो जो कुछ कर सकते हैं तो वो कर रहे हैं। तो बाकी जो इसकी वजह से लाइफ तो बहुत सारे बंदों की इफेक्ट हुई है, क्योंकि बहुत सारे बंदे ना इसमें इधर उधर, कईयों के बेचारों की जॉब्स वगैरह भी चली गई हैं, कहीं घर से काम नहीं कर सकते जिनकी वजह से जॉब्स चली गई हैं। अगर कोई जा भी रहा है तो उसकी काम काम है, जिसकी वजह से वो सरवाइव करना मुश्किल हुआ हुआ है। मगर इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन और ये अमेरिका वगैरह, तो मेरे लिहाज से इनकी पॉलिसियां और इनकी जो चीज़ें हैं ये तो बिल्कुल फेल हो गई हैं। यहाँ पे दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, बाकी मुल्कों में अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ ठीक होता जा रहा है, मगर यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। चले कोई नहीं, एनीवे ये तो दुनिया है, जिस तरह अल्लाह ताला रखे उस तरह ही ठीक है, चलते जाएंगे इंशाल्लाह। तो बाकी वो आप लोग जो, मैं वो दूसरी मूवीज बना रहा हूँ, शॉर्ट मूवीज बना रहा हूँ, भाई वाली, भाई को डिफरेंट डिफरेंट कभी कोई करेक्टर वो कर रहा हूँ उसमें, वो आप लोग मुझे सही तरीके से बता नहीं रहे कि आप पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। पसंद कर रहे हैं तो आगे मैं और बनाऊं और अच्छी अच्छी बनाऊं, क्योंकि मेरे पास भी कुछ नहीं है करने को। तो इस टाइम वन मैन आर्मी वाला साहब है, जो कुछ करना है खुद ही करना है, या एक दो दो दोस्त हैं जिनके साथ थोड़ा बहुत कुछ बना लेते हैं। तो कोशिश मैं कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ अच्छा अच्छा बनाया जाए, आप लोग भी खुश हो, घर बैठे हुए जरा बंदा हंस लेता है। इसमें हम फन के लिए बना रहे हैं कि फन एंटरटेनमेंट हो, कि जो लोग पसंद करें फैमिली में बैठ के देख सकें, कोशिश तो यही कर रहे हैं। बाकी अल्लाह ताला इंशाल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह ताला खैर करेगा इंशाल्लाह। क्योंकि मूवी बनाना इंशाल्लाह अल्लाह खैर की अभी पूरी कोशिश करेंगे और अच्छी से अच्छी बनाएंगे। और आप लोग मुझे बताएं कि मूवीज़ आप लोगों को पसंद आ रही हैं, कमेंट्स करके भी बताया करें। अगर उसको पसंद आ रही है तो उसको शेयर भी करें, क्योंकि शेयर करेंगे तो उसी स्वाब ले रहे हो, तो अगले ने भी दो, अगले भी देखें, अगले भी उसको एंजॉय करें। तो क्योंकि वीडियोस बहुत सारे बंदे देखते हैं मगर ना वो सब्सक्राइब करते हैं ना वो उसको लाइक वगैरह करते हैं, बस देखते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। मगर नेवर माइंड, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, वो भी ठीक हो जाएगा। मगर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छी से अच्छा आप लोगों को चीज़ें दी जाएं, अच्छी से अच्छी चीज़ें आप लोगों को दिखाई जाएं, कि आप लोग लॉकडाउन के दौरान या वैसे जो कुछ भी है, अगर लॉकडाउन नहीं भी है जहाँ जहाँ, तो वहाँ पे भी जो लोग देख रहे हैं वो उसको एंजॉय करें और उसको खूब याद रखें कि वो अच्छी मूवी थी। तो इंशाल्लाह अभी दिन चल रहा था, मैंने कहा आपसे थोड़ी गपशप लगाता हूँ, मगर थोड़ी नहीं है, थोड़ी ज़्यादा हो गई है। तो इंशाल्लाह अभी इसी तरह ही आता जाता है, गपशप लगती रहेगी, और जो जो चीज़ आप लोगों के लिए कैप्चर कर सका वो आप लोगों के लिए कैप्चर करूँगा। तो इंशाल्लाह, तो अभी फिर दिन स्टार्ट ही है, तो मिलते हैं अभी फिर थोड़ी देर बाद। किसी ने, बच्चों ने मेरा ख्याल है खेलते खेलते बड़ा स्नो बॉल बनाया हुआ है, क्योंकि बच्चों की मौजें लगी हुई हैं, बच्चों की कल की स्नो पड़ी हुई है, वे मौजें मार रहे हैं। मगर अब शाम हो गई है, ठंड हो गई है, तो अभी सारे बंदे घर में, बच्चे वगैरह घर में भी। सभी काम छोड़ के घर आया हूँ, अभी काम वगैरह फिनिश, तो अब खाना वगैरह खाऊंगा मैं और अपनी बस रेस्ट वगैरह करूँगा, क्योंकि अब कुछ और तो है नहीं कुछ करने के लिए। आजकल आप लोग बस यही कर सकते हैं, खाना खाओ, बैठो, खाओ पियो,
सो जाओ, फिर उठो, फिर एज यूजल जो रूटीन है वो करते रहो। मगर असी भी इंशाल्लाह पाकिस्तानी हैं, असी हार नहीं मानते इंशाल्लाह। अल्लाह ताला खैर करेगा, इंशाल्लाह दबा के रखेंगे असी भी काम। तो बाकी आप लोग सुनाएं, सब कुछ ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, सारा कुछ ठीक ठाक है आप लोगों का? तो मैंने कहा आप लोगों को बताऊं, तो अभी बस मैं खाना खाने लगा हूं, तो मैंने कहा थोड़ी सी आपसे गपशप करूं, खाना शाना खा के। तो आज का फिर दिन और ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी बाकी वीडियोज़ भी पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को पसंद आ रही है कि नहीं आ रही। तो अपनी दुआ में याद रखा करें, और हमेशा आप अपनी दुआ में याद रखें, हंसते रहो, वसते रहो। तो फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। Are you enjoying my dad's videos? If you are, then subscribe, like and share my uncle's videos. Thank you.